एक्चुअली तो उस वक्त के कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है कि ये एक ही रंजीत कटियाल का काम था, ये बहुत सारे लोगों की एक जमा एफर्ट्स थी जब ये काम हुआ था। मैं बस इस बात से खुश हूँ कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगी, इस बात से खुश हूँ कि एक ऐसी चीज़ हमने सामने लाई जो लोगों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे भी नहीं नॉलेज थी। तो मैं ये कह रही थी कि इस तरह की फिल्म बनाने का मकसद ये नहीं होता कि आप बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे ध्यान दें कि ये इतने करोड़ और इतना बिजनेस और ये मुझे बस यही बहुत ज़्यादा खुशी है, जैसे कि अक्षय ने कहा कि लोग जो हैं वो थिएटर्स पे जा रहे हैं एक कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म देखने के लिए। एक स्टोरी है जो एक कहानी है जिसको देखना लोग पसंद कर रहे हैं, अपना वीकेंड वहाँ पे बिताना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बहुत अच्छी बात है कि एक लोगों ने एक चॉइस करी है कि एक अच्छी फिल्म जाके वो देखेंगे। दिस थिंक सो एंड इवन आई थिंक सो बिकॉज लुकिंग एट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट ऑन माई मेल्स एंड माई ट्विटर्स एंड थिंग्स लाइक दैट एंड माई मैसेजेस इवन समटाइम इट सरप्राइजेज मी ऑल्सो एंड आई एम वेरी थैंकफुल। डायरेक्टर ने कई लोगों से मिलाया जो फंसे हुए थे और उनसे मिला, बातचीत की, उनका माइंडसेट पढ़ा, वही मेरी रिसर्च थी, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरे डायरेक्टर इस फिल्म के साथ करीबन 3-4 साल से ऑलरेडी लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके भी कई रिश्तेदार, उनके भी कई लोग फंसे हुए थे उसमें, तो जितनी रिसर्च करनी थी उन्होंने की थी और जितना भी नॉलेज आया वो उनकी तरफ से ही आया। कंटिन्यूज एवरी वीक बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री है, मैं समझता हूँ लोगों को ये गलत फहमी है कि ये कोई सोने की चिड़िया की इंडस्ट्री है। आई थिंक मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री जो है इट इज़ स्ट्राइविंग ऑन एकदम बहुत कम हिट्स पे। आई होप कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे हिट्स आएँ क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत चीज़ें दे सकती है आपको, बट एट द मोमेंट दिस इंडस्ट्री इज़ गोइंग अंडर लॉस। दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर दिस लवली स्क्रिप्ट, आई इट केम इन माई हैंड एंड आई प्रोड्यूस द स्क्रिप्ट and I produced the film. I'm very very happy. I cannot मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। अगर मेरा मन करे तो I would jump with joy that people have loved this film and they have enjoyed it and they have appreciated it. And और साथ में ये भी कहूँगा कि मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये फिल्म को इतना सहारा है, क्योंकि ऐसी फिल्में जो हैं हमारी इंडस्ट्री में एक सर्टेन अमाउंट पर आके अटक जाती हैं, यानी कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ तक आके अटक जाती है। बिकॉज इन ऐसी फिल्मों में जैसे आप सभी जानते हैं कि गाने नहीं होते, हाँ इसके अंदर कमर्शियलिटी, कोई आइटम सॉन्ग नहीं होता, इसके अंदर कोई कॉमेडी नहीं होती, लेकिन ऐसी फिल्म को इस मुकाम तक ले जाना ही आई वुड से कि इट इज़ एक सेंसिबल लोगों की, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड दैट्स इट। मैं क्या ऐसा होता है कि जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ नेशनल एंथम चलता है, तो जब हम सब खड़े हो जाते हैं और जब हम फ्लैग अपने तिरंगे को देखते हैं लहरते हुए तो अपने अंदर एक कुछ फीलिंग आ जाती है, जबकि उसके साथ कोई स्टोरी अटैच नहीं है, तो उसी के अंदर इतनी फीलिंग आ जाती है। तो वो लास्ट मिनट में जब तिरंगा लहराता है फिल्म के अंदर और उसके अंदर तो स्टोरी अटैच्ड है, क्यों? एंड देन मुझे नहीं लगता, मैं ऐसे किसी इंसान को जानता हूँ जो इस वो जो लास्ट के 5 मिनट देखते वक्त चौक ना हो गया हो, कोई रोया ना हो, या कोई एकदम, मतलब इट ब्रिंग्स, बिकॉज आई थिंक एक तिरंगा लहराना ही अपने अंदर एक ऐसी चीज़ बाहर लाता है, ऐसा कुछ लाता है जो हम एकदम चौक हो जाते हैं, क्योंकि हम तिरंगा इट इज़ सो जैसे कि इट इज़ द बेस्ट साइट आई हैव एवर सीन।